हेलो जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मजे में। आज मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप लोग कैसे हो, नहीं तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा आप लोग कैसे हो। आप बोल दोगे जी बहुत बढ़िया, जो जेल में है उनसे अच्छे हालात में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे रहो, मजे से रहो, तैयारी करते रहो अपने एग्जाम की। और अभी भी बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ तैयारी शुरू नहीं करी। यार ये जो ज्यादा गैप मिल जाता है ना, ये भी इतना भी नहीं मिलना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 2-3 दिन तो बस ऐसे ही मजे में इंस्टा फेसबुक ये सब, बस इधर ही मस्ती वाला माहौल रहता है शुरू के 2-3 दिन, और लास्ट में 2 दिन में याद आती है यार अब तो पेपर है, अब तो पढ़ाई करनी है, चलो पढ़ाई करते हैं। जाग जाओ, 2 दिन 3 दिन रह गए, 25 तारीख को पेपर है, अभी तक सो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करो। और ये ना मेरी बेसिकली ये जो सीरीज रहने वाली है, 10 10 12 12 मिनट का एक चैप्टर हम इसमें करेंगे। इसमें ये खासकर ना उन बच्चों के लिए रहने वाली है जिन्होंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं करी या जिनको जल्दी जल्दी से रिविजन करना है, वो बच्चे जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। फटाफट 10 10 12 12 मिनट के करते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, मुझे पता है आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा, डोंट वरी, मजे में मस्ती से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। चलो पहला चैप्टर स्टार्ट करें। पहला चैप्टर नाम तो बताओ होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ना फर्स्ट चैप्टर है। क्या मैनेजमेंट क्या होता है सब देखेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, क्या नेचर है, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, तो सब जानते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग क्या, वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम लेना। कैसे काम लेते हो आप दूसरों से, आप लोग बहुत काम लेते होंगे मुझे पता है, स्कूल वगैरह में बहुत होता है ये, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत एक दूसरे से बच्चों को यूज करते हैं काम निकलवाने के लिए, तो वही मैनेजमेंट हम अब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, तो आप कैसे दूसरों से काम लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। छोटी सी डेफिनेशन है, याद रखिए ठीक है। और ये जो काम लेने का ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अचीविंग ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए कैसे आप दूसरों से काम ले रहे हो उसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। अच्छा दो कंसेप्ट है फटाफट से देखेंगे, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। सीधा एक छोटी सी चीज याद रखेंगे, काम को टाइम पे कर रहे हो, यहां पे भी काम टाइम पे होगा, ठीक है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, काम को टाइम दोनों जगह होगा, फिर इफेक्टिवनेस में भी काम टाइम पे होगा, एफिशिएंसी में भी काम टाइम पे क्या होगा, फर्क क्या होगा, यहां पे आप रिसोर्सेस को क्या करोगे, सेव करोगे, रिसोर्सेस को सेव करोगे, कॉस्ट कटिंग करोगे। तो अगर आप काम को टाइम पे करने के साथ साथ रिसोर्सेस को बचाते हो, क्योंकि तो रिसोर्सेस कैसे होते हैं भैया, रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड, तो लिमिटेड रिसोर्स को क्या नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, उनको संभाल के रखना है, तो काम को टाइम पे करना कम रिसोर्सेस के साथ करना क्या कहलाता है, एफिशिएंसी, और सिर्फ काम को टाइम पे करना क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस। तो आप लोगों को क्या बनना है, अभी 3 दिन में पूरा करना है ना पूरी पढ़ाई, एफिशिएंसी, काम को टाइम पे भी करना है और कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट आपको लेना है, ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अच्छा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले इसके लिए याद रखेंगे PIG, पिग सुअर, MCGD, PIG MCGD, P स्टैंड्स फॉर परवेसिव, परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट होता है, हर जगह होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग हर जगह मैनेजमेंट है। I स्टैंड्स फॉर इनटेंजिबल, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते, ये मैंने छू लिया इसको, ऐसे मैनेजमेंट को आप नहीं कर पाओगे, मैनेजमेंट को देख नहीं पाओगे, मैनेजमेंट को छू नहीं पाओगे, मैनेजमेंट को फील कर पाओगे, अगर काम स्मूथली हो रहा है तो वहां मैनेजमेंट है। अगला है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी मतलब एक अकेले की बस की बात नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, सबके ग्रुप, इंटीग्रेटेड ग्रुप चाहिए सबके, तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। एम स्टैंड्स फॉर मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट का एक फेस नहीं है, यहाँ पे आपको पीपल को भी मैनेज करना है, लोगों को, यहाँ पे आपको वर्क को भी मैनेज करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को भी मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट हो गया मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल वर्क एंड फंक्शन, पीपल वर्क फंक्शन, पीपल वर्क फंक्शन, अच्छा लगा, चलो मजाक हो गया, मजाक नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। कॉन्टिन्यूस, सी स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूस, मैनेजमेंट एक दिन की बात नहीं है, इट इज नॉट अ वन डे शो, इट इज अ रेगुलर शो,
जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी मैनेजमेंट चलता रहेगा। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, अंधाधुंध नहीं जाना कहीं पे भी। मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो एक गोल है, उस गोल को अचीव करना है तो अपने आप को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड, गोल को अचीव करना है। मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक है, डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक। डायनामिक का मतलब परिवर्तनशील, जो अपने आप को चेंज करता रहे। तो मैनेजमेंट भी अपने आप को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो मैनेजमेंट डायनामिक। चलो फीचर्स हो गए, अब हम फटाफट से आगे करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। भैया पहले की तरह नहीं रहा, पैसा कमाना सिर्फ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब मैनेजमेंट के तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं। बताइए कौन कौन से? कुछ तो पढ़ा होगा। फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल। सेकंड क्या है? सोशल। थर्ड क्या है? पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए होंगे? टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स सोसाइटी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स इंप्लॉयज। इतना सा याद रखें और आइडेंटिफाई आसानी से हो जाएगा। खुद के लिए क्या होते हैं? सर्वाइवल, एक्सपेंशन, ग्रोथ। भाई बिजनेस चलता रहे, बिजनेस एक्सपैंड होता रहे, बढ़ता रहे, ग्रो होता रहे, ये तीनों कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब सोसाइटी के लिए, पेड़ लगाओ, पोल्यूशन मत करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, वुमेन अपलिफ्टमेंट करो, ये सब क्या है? सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आएंगी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज से रिलेटेड क्या? अच्छी सैलरी, अच्छा बोनस, अच्छी वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, बोनस दो उनको, मोटिवेट करते रहो। तो एम्प्लॉयज के लिए सब क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेटिव सैलरी दो। एम्प्लॉयज के लिए जो होंगे वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको भैया केस स्टडी यहाँ से आएगी, जरूर आएगी, याद रखना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चलो वेरी गुड, अगला दो दो मिनट में टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की? तो भाई हम लोग इसके फीचर से इंपॉर्टेंस बना लेते। फीचर क्या था? PIGMCDG। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करता है? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ जोड़ के रखता है। इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट हेल्प्स टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी? सर्वाइव करेगी। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द, जी स्टैंड्स फॉर गोल, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। उसके बाद यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंस बनाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अर्निंग द प्रॉफिट। मैनेजमेंट हेल्प इन एक्सपैंडिंग द बिजनेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपैंडिंग। ठीक है, फिर चलो सोसाइटी से, मैनेजमेंट हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मैनेजमेंट हेल्प इन सेविंग द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, मैनेजमेंट सोसाइटी के सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। व्हाट अबाउट पर्सनल से भी बना सकते हैं? मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एम्प्लॉयज, इंक्रीजिंग द मोराल ऑफ एम्प्लॉयज, गिविंग गुड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। ठीक है, तो ये सारे मैंने 6-7 आपको इंपॉर्टेंस बता दिए। अगला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अरे बहुत मोटा हो गया, सॉरी सॉरी बेटा, वो हाईलाइटर था। ये देखिए नेचर, नेचर मतलब क्या है मैनेजमेंट? आर्ट है क्या भैया? मालूम ही नहीं। साइंस है क्या ये मैनेजमेंट? देख लेते हैं। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? क्या है मैनेजमेंट? आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है? कॉमर्स तो है ही नहीं इसमें। कॉमर्स नहीं, कॉमर्स नेचर नहीं है मैनेजमेंट का। ठीक है, कहीं सोचो हमारा तो कॉमर्स है ही नहीं, मिसिंग है इसमें से। तो देखते हैं, मैनेजमेंट पूरे तरीके से आर्ट है, इन एग्जैक्ट साइंस है, फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशन है। ये तीन बातें याद रखो, मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, इन एग्जैक्ट साइंस है, एंड फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशन है। अब देखिए आर्ट के कौन से फीचर्स मैनेजमेंट में है? आर्ट के अंदर होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। हमारे मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकंड, आर्ट बेस्ड होता है, आर्ट्स जो होता है, जो आर्ट होता है वो बेस्ड होता है प्रैक्टिस पे। तो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं मैनेजर पे, मैनेजर के, वो भी किस पे डिपेंड होते हैं?
प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो ये फीचर भी जो आर्ट्स का है वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट जो जो आर्ट होता है उसके अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्या होता है पर्सनल एप्लीकेशन, अपनी तरफ से कुछ लगा देना। तो मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स अपनी तरफ से डिसीजंस लगा देते हैं, तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। मैनेजमेंट इज आर्ट्स इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। तो सारे ही तो फंक्शन है, सारे फंक्शन है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। सेकेंड देखिए साइंस, साइंस में क्या है, साइंस के फीचर्स क्या होता है, फटाफट से देखते हैं। साइंस बड़ा सुनने में, साइंस क्यों नहीं लिया हमने 11th में, कोई बात नहीं, कॉमर्स ले ली कोई बात नहीं। साइंस, साइंस का पहला फीचर, साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, और साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो देखिए भैया पहले दो पे लगा दीजिए टिक, तीसरे पे लगा दीजिए रोंग। मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल, अब देखो एकदम छोटा सा एग्जाम्पल दो, ये पेन मैंने ऊपर फेंका नीचे आ गया, ग्रेविटी। या आप कहीं पे भी, आप अपने घर पे भी अपना पेन उठाओ ऊपर फेंको नीचे आएगा, क्यों, ग्रेविटी, हर जगह सेम है। पर मैनेजमेंट के फीचर ऐसे नहीं है, मैनेजमेंट के जो फीचर है वो सिचुएशनल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, याद रखेंगे। अच्छा प्रोफेशन देख लेते हैं, मैनेजमेंट एक फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशन कैसे है। प्रोफेशनल क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, किसी को भी आप नहीं एंट्री कर सकते। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, आपको अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन से, अब आप सीए बनोगे तो आईसीएआई से अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो ही आप सीए कहलाओगे, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। प्रोफेशनल एसोसिएशन यहाँ पे होती है, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन आप बोल सकते हो कि जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये मैनेजमेंट को देखते हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन यहाँ पे होते हैं। इनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डॉक्टर्स होते हैं ना भैया, बिल्कुल हाँ जी सर, ये वो बिहेवियर करने का तरीका होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका सर्विस मोटिव होता है। देखते हैं कौन कौन से फीचर यहाँ मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, पहला ही है और कोई भी फीचर मैनेजमेंट का प्रोफेशन से नहीं मिलता। जैसे साइंस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन मैनेजमेंट में ना रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ना प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ना ये सर्विस मोटिव के लिए है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में मैनेजमेंट भी प्रोफेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से अपने को, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो फटाफट से अगला टॉपिक करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। अगला अपना टॉपिक कौन सा होगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फटाफट से करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, जल्दी, बहुत इजी सा टॉपिक है। ये तीन लेवल हो गए, सबसे पहले टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, और इनके नीचे आ गए इम्प्लॉयज, इम्प्लॉयज नहीं बोलेंगे वर्क वर्कर्स, इनके नीचे कौन आ गए, वर्कर्स। अच्छा टॉप लेवल में कौन कौन होंगे, जल्दी बोलो मेरे साथ, टॉप लेवल में कौन होंगे, ऑपरेशनल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सीईओ, ये सब नहीं होंगे, ये सब किसमें होंगे, मिडल लेवल में होंगे। तो जल्दी से देखते हैं टॉप लेवल में कौन कौन से होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सीएमओ होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, चेयरमैन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे ये सारे लोग होंगे, ठीक है। मिडल में कौन कौन होगा, मिडल में जो भी मैंने आपको एक दो बोले थे, ऑपरेशनल मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, रीजनल मैनेजर, मतलब डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होंगे। लोअर में सारे कौन रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, लोअर में कौन रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, ठीक है। तो लोअर लेवल में अपने सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब रहेंगे, ठीक है, तो ये अपने लोअर लेवल। अच्छा इनके काम क्या है, टॉप वालों के बताइए, टॉप वालों के क्या क्या फंक्शंस हैं। टॉप वालों का सबसे पहले काम क्या है, गोल डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, और सबके डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, सब डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल रहे, ये वो लोग इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल चलती रहे। उसके बाद और क्या काम है, बाहर वालों के साथ लाइजन बना के रखते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा, और फंड्स की अरेंजमेंट,
पैसों का जुगाड़ भी कौन करेगा, टॉप लेवल पे हम तो काम करेंगे सिर्फ जाके, ठीक है। मिडल में क्या काम होगा, मिडल वालों का, मिडल वालों का लिंक होंगे टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में, एक बिचौलिए का काम करेंगे, लिंक का काम करेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वालों ने जो पॉलिसीज बनाई है टॉप वालों ने, उन पॉलिसीज को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, और अपने नीचे जो एम्प्लॉयज होंगे उनको मोटिवेट भी करेंगे, और ये रिक्रूटमेंट भी करेंगे, ठीक है। मिडिल लेवल वालों का काम याद रखना है। उसके बाद सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजरी लेवल का क्या काम होता है, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, प्रॉब्लम ग्रेवेंसेस का सॉल्यूशन देना, उनकी ग्रेवेंसेस को टॉप लेवल तक पहुंचाना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंश्योर करना, ठीक है, और वर्कर्स को मोटिवेट रखना कि वो बराबर से काम करते रहें, ठीक है, वर्कर्स को समझाना, काम सिखाना, ये सब काम किसका होता है, सुपरविजरी लेवल का होता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फटाफट से करेंगे 3 मिनट में। प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ आप हो, क्या आपको अचीव करना है, उन दोनों के बीच का जो गैप होगा कौन फिल करेगा, प्लानिंग, ये गैप किसने फिल किया, प्लानिंग ने। ऑर्गेनाइजिंग मतलब डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसको क्या ड्यूटीज असाइन होंगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग मतलब डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्टिंग रिलेशन बताना, कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, कौन किसको कमांड देगा, ठीक है, ये सब। वर्क को आइडेंटिफाई करना, डिपार्टमेंट क्रिएट करना, ड्यूटीज को असाइनमेंट करना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, ये सब स्टाफिंग का काम होगा। डायरेक्टिंग मतलब गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू दी वर्कर्स, जो वर्कर एम्प्लॉयज होंगे उनको ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो काम को इनिशिएट कर सके, अदरवाइज बैठे रहेंगे मजे से, काम करेंगे ही नहीं, तो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन देना क्या होगा, डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग मतलब जो प्लानिंग में सेट किया था टारगेट, जो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है, उन दोनों को कंपेयर करना और डेविएशंस निकालना, जो आपने सेट किया था, जो आपको अचीव हुआ है, उनको कंपेयर करके डेविएशंस निकालना, कंट्रोलिंग का काम। और आप डेविएशन देखेंगे ताकि आप भविष्य में वो गलतियां ना करें, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। लास्ट इज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन एक इनटेंजिबल फोर्स है, कैसा इनटेंजिबल फोर्स है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन और सारे फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको कौन बाइंड करके रखता है, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब एकता, एकजुटता, तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, सबको बांध के रखता है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन क्या रखता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, सब फंक्शंस को बाइंड, बांध करके रखता है। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है, इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एफर्ट को क्या करता है, इसका एफर्ट, इसका एफर्ट, इसका एफर्ट, इसका एफर्ट, सबको मिला के कौन मिलाएगा, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। उसके बाद सेकेंड, कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है, यूनिटी, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, हर जगह है, आप और मेरे, आपके अंदर मेरे अंदर भी कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, हर जगह, छोटी बड़ी लंबी ये वो एक्स वाई जेड लंबी मान लेते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन क्या है, एक दिन का काम नहीं है, वन डे शो नहीं है, चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस है। डेलिब्रेट, अच्छा कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेशन को बनाना पड़ेगा, डेलिब्रेटली जानबूझ के अपनी इच्छा से बनाना, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, अपने आप से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे आप मेरे साथ, तो प्लीज मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए और लास्ट टाइम रिवाइज कीजिए। तो कल कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है, एंड फाइनली कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सब मैनेजर्स को कोऑर्डिनेशन करना है, हर मैनेजर की ड्यूटी है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत मजे मजे में क्लियर हुआ होगा। मैंने ये सोचा है ना, बोर नहीं करूंगा मैं, मेरी वीडियो में बच्चे बोलते हैं भैया आप बहुत सीरियस पढ़ाते हो, ठीक
है, तो मैं मैंने सोचा आज सीरियस नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा मस्ती मजाक से पढ़ाएंगे। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, 20 मिनट की वीडियो है, एंजॉय दिस चैप्टर, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहें, एग्जाम की तैयारी।